हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, मैं SFM की थ्योरी बुक पे काम कर रहा था। यस, फाइनली ये थ्योरी बुक कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं आपके सामने एक थ्योरी बुक का शो करना चाहूँगा। थ्योरी बुक हमारी लग कैसी रही है सर? ये प्योर थ्योरी बुक है, इसमें फॉर्मूला सारे रहेंगे। क्या क्या रहेगा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। चलो एक एक करके सर मैं बताता हूँ। सही, हमारे थ्योरी बुक का कवर है, ठीक है। CA फाइनल SFM, इट्स कॉल्ड नैनो बुक। रैव योर 16 मार्क्स एंड 65 पेजेस। ज़्यादा वाले पेजेस नहीं है, 65 पेजेस, 70 पेजेस मैंने उसको कवर किया हुआ है। इसमें सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें है ICI थ्योरी क्वेश्चंस, जितने सारे थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज है सब अभी डिस्कस करेंगे। क्या क्या है इसमें और फॉर्मूला सर, हर चैप्टर के मैंने फॉर्मूलाज पे जगह कंबाइन किया हुआ है। RTP, MTP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इंग्लिश में किया हुआ है। सर देखो, बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको समझने में टाइम लगता है। मैंने सारे कंसेप्ट को तोड़ के समझाया वहाँ पे। सर एक एक ओवरव्यू करते हैं इसको, ठीक है। देखो सर, जैसे एक चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस, तो न्यू बिजनेस करने का ख्याल आया कि बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो वे टू फाइनेंस, इनिशियल नीड ऑफ मनी, नीड टू टर्न एन आइडिया इनटू रियलिटी, बैंक्स आर जनरली नॉट प्रोवाइड लोन टू स्टार्टअप। तो इसको मैंने खुद से दिमाग लगा के अच्छे से इसको डिकोड किया। वैसे पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होता है? खुद का पैसा लगाओगे तभी बाहर वाले लगाएंगे, अदरवाइज बाहर वाले पैसा क्यों लगाएंगे जब तक खुद का पैसा नहीं लगा। दैट्स कॉल्ड पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन। तो यहां पे क्वेश्चन आता है सम ऑफ इनोवेटिव वे टू स्टार्ट फाइनेंस स्टार्टअप, जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग। इट इज ऑनलाइन प्रोसेस, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लेंड और बोरो मनी टू ईच अदर। यहां बैंक इंटरेस्ट से अच्छा मिल सकता है। दैट्स वी फॉरवर्ड टू पीयर लेंडिंग। तो मैं आपको एक एक करना दिखाता हूं कि बुक की ओवरव्यू, बुक का ओवरव्यू करवाता हूँ। जैसे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में किया, सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्टअप का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। जैसे आप देख सकते हो, स्टार्टअप इज जनरली गवर्नमेंट टर्म्स, नॉट बियॉन्ड 10 ईयर्स, 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। आइदर कंपनी इनकॉर्पोरेट एज प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, नॉट एज पब्लिक कंपनी। आइदर एंटिटी नॉट शूटिंग कंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप, ऐसा रिकंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, दो कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करके अगर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वे में किया सर, और दिखाओ, ठीक है। सम एडिशनल क्वेश्चन, हाँ सर ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये है क्या, इसमें ये है कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे क्या करता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको RTP MTP पूछता है जो आपके कंसेप्ट से नहीं रिलेटेड है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि इनोवेटिव वे टू स्टार्टअप फाइनेंस स्टार्टअप, इनोवेटिव वे टू फाइनेंस स्टार्टअप, तो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है, बट आपके पास इसमें अलग ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके कंसेप्ट में वहां पे नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो मैंने ना एनालाइज करके अलग कर दिया, जो चांसेस है ICA आपसे पूछ सकता है अगर थ्योरी थोड़ा टफ करना पड़े। अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही आते हैं जो आपके चैप्टर वाइज है, बट ये वैसे क्वेश्चन है ना जो ICA अलग से पूछता है। वो अलग से कहां पूछता है? या तो RTP या तो MTP। तो मैंने यहाँ पे 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर RTP MTP का मैंने पास्ट ईयर का सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल के लगा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है देखो, ये तो आपने देख ही लिया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला। सही, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने एक जगह कर दिए। अप्रॉक्स 30-40 पेजेस में आपके सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज, फॉरेक्स के, डेरिवेटिव्स के, पोर्टफोलियो हो गया, बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, तो सारे फॉर्मूलाज एक जगह, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर का कंसेप्ट एक जगह, इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस एक जगह, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक जगह, अप्रॉक्स मैंने सब कुछ एक जगह कर दिया। इंडेक्स में मैं आपको दिखा दूंगा, बुक में सारे मैं आपको बुक के ओवरव्यू दिखाई दिया हूँ। ये हमारा बुक है, नैनो बुक रहेगा, पॉकेट बुक टाइप रहेगा कि आप कहीं भी लेके आराम से इजीली कर सकते हैं। लास्ट के 1.5 डेज में पास 2-3 घंटा टाइम बचा तो इसको ओवरव्यू कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इससे आप फॉर्मूलाज ओवरव्यू कर सकते हैं इजीली, वे में फॉर्मूला सारे रिवाइज हो जाएंगे। आप इसको एग्जाम सेंटर के बाहर जाके थ्योरी को पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। सर मैंने इंग्लिश क्यों किया है? बहुत सारी चीजें को ना तोड़ना टाइम लगता है, कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है कि पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होता है। तो मैंने क्या ना कंसेप्ट लिख दिया वहां पे कि आगे पढ़ोगे पे टू पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सिक्योरिटी करके ना, तो थोड़ा समझने में टाइम था, मेरे को टाइम लगता था। मैंने ना सारे को डिकोड कर दिया, सारा डिकोड करके ना मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। सब बताओ ये बुक मिलेगा कहाँ से, कैसे क्या होगा, सब बताता हूँ। थ्योरी चैप्टर्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, स्टार्टअप है, इसको मैं शार्क टैंक बोलता हूँ। 8 नंबर का पेपर इस बार भी आया था, डेट्स बूटस्ट्रैपिंग एंड वेंचर कैपिटल का क्वेश्चन आ गया था। सिक्योरिटाइजेशन क्वेश्चन 4 नंबर का आता ही आता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी 4 नंबर का आता है। तो लगभग लगभग मिला के आप देखोगे तो 16 से 20 नंबर का आपका सिर्फ थ्योरी आता है। देखो एक मैंने भी एनालिसिस डाला था थ्योरी अपने पेपर SFM का, प्रैक्टिकल अगर इजी आया तो आप थ्योरी को मिस करके जाओगे, आराम से 70 स्कोर कर लोगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल टफ आया ना तो आपको यही सेवियर होगा आपके लिए। तो देखो रिस्क लेने से क्या फायदा, आराम से थ्योरी करके जाओ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर खुद से कर लो बेटर है, मैंने निकाल के रख दिया आपके लिए पूरा। आप
ज़्यादा ना दिक्कत हो रहा है, आप आराम से कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक बनाई मैंने, 5-6 दिन 4-5 दिन टाइम लिया, मेरे टीम ने बहुत मिलकर ये मेहनत बुक बनाई है। नोट्स तो मेरे ही थे बट उसको प्रॉपर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये सब करना टीम ने किया, ठीक है। म्यूचुअल फंड के मैंने 2 क्वेश्चन डाले कि कभी कभी होता है म्यूचुअल फंड से प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो एक थ्योरी पूछ दिया जाता है, इजिली में 4-5 नंबर का थ्योरी आ जाता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई कवर स्टडी मटेरियल ऑल पॉइंट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मैंने सारे एक्सप्लेनेशन किए हैं, इंग्लिश में यूज़ किया मैंने, ना टोटल इंग्लिश है ना टोटल हिंदी है, प्रॉपर इंग्लिश यूज किया कि आपको कंसेप्ट याद करने में इजी हो जाएगा, कंसेप्ट याद हो जाएगा, आराम से लिख के आ जाओगे, और पॉइंटर्स तो मैंने बना ही बनाया, ठीक है, दैट इजी टू रिटेन द कंसेप्ट, ठीक है। लास्ट 1.5 डेज फॉर्मुला रिवीजन, सो रिवाइज ऑल फॉर्मुला इन क्विक मैनर रिवाइज कर सकते हो, जो भी फॉर्मुला मिस हो रहा बुक खोलो, फॉर्मुला देखो, आपको फॉर्मुला याद है, फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ठीक है। 10-15 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं लास्ट पास्ट आरटीपी एमटीपी, एंड ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनका कोई सेपरेट कंसेप्ट नहीं है, आप कभी बुक में वो क्वेश्चन देखोगे ना, सेपरेट कोई कंसेप्ट नहीं है उसका, तो सर उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर पेजेस 65 है, थ्योरी फॉर्मूला आरटीपी एमटीपी लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मार्क्स के लिए आप इतना दे सकते हो सर, 65 पेजेस को आप, नैनो बुक है, 65 पेजेस तो मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, नैनो बुक है, 30-40 पेजेस हुए अच्छे से देखोगे तो, बड़े पेजेस में A4 लोगे तो, बट नैनो बुक में 65 पेजेस, मतलब अप डाउन मिला के 120 टोटल, दो बोथ साइड मिला के, ठीक है। सब प्राइस क्या है, इफ आप दिल्ली से हो आप पिकअप करके ले जा सकते हो, हमारा ऑफिस एड्रेस यहाँ लिया हुआ है, बिल्डिंग नंबर E7 है, ऑफिस नंबर 403, फ्रेंड कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, नियर हीरा स्वीट्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092। सर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, मैं हर वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, जो भी आपको, बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे ऑफिस से कलरफुल नोट्स लेके जाते हैं, जो हमने लॉ की बना रखी है, क्वेश्चन बैंक लेके जाते हैं, तो आप अगर दिल्ली से हो तो प्लीज़ विजिट करना हमारे ऑफिस में, जो भी क्वेरीज होगी आपको यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे, मैं पर्सनली यहाँ पर बैठे रहता हूँ तो आपसे बात भी हो सकती है हमारी, ठीक है। ठीक है सर, अगर आपको बुक के लिए चाहिए तो आप पर्सनली आप दिल्ली आके ले सकते हो, तो 110 रुपीज़ की ये पॉकेट बुक है। अगर आप बाहर के हो, मतलब आउट ऑफ दिल्ली हो, या दिल्ली में आप चार्जेस डिलीवरी चार्जेस मंगवाना चाहते हो, सर 50-60 डिलीवरी चार्ज लगते हैं, या आप खुद से अरेंज कर सकते हो, चलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ 50-60 लगते हैं डिलीवरी चार्जेस, मैंने टीम से पूछा था, इतना लगते ही लगता है, ऑल इंडिया कहीं भी जा रहा है, पॉकेट छोटी बुक है इसलिए 40-50-60 के बीच में हो जाएगा, बट हाँ इतना आपका कॉस्ट में क्या 160 तक पड़ जाएगा, अगर आउट ऑफ दिल्ली जा रहा है बुक तो, दिल्ली वाले हो तो मतलब प्लीज़ बोलूँगा विजिट कर लेना एक बार ऑफिस, आधा घंटा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा दूर हो तो अरेंज कर लो जैसा आपको लगता है, या आप डिलीवरी कर मंगवा सकते हो तो ऑर्डर देके बता देना। सर 110 रुपीज़ है, पॉकेट बुक है, डायनामो बुक बोल लो, नैनो बुक बोल लो, जो बुक बोल लो, नैनो बुक मैंने अपने बुक का नाम दिया है, ठीक है। चलो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अभी मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ना, पिछले बार क्या हुआ था, मैंने ना प्री बुक ऑर्डर डाला था, तो उसमें से प्री बुक ऑर्डर में से अप्रॉक्स मेरे को लगता है 70 तो मैंने ऑर्डर करा दिया, बट 10 ऐसे बुक थे ना जिनका प्री बुक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई प्री बुक का हो, अगर आपको बुक के लिए लिटरली चाहिए बुक तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर ले, एक मैसेज ड्रॉप कर देना, और दिल्ली वाले हो तो मैं तो बोलूँगा आप आज शाम या कल मॉर्निंग, कल आप आफ्टरनून तक आके ले जाना, जो लक्ष्मी नगर हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, आपका कोई लक्ष्मी नगर फ्रेंड हो तो उसको आप ये सजेस्ट कर देना, बहुत बहुत बेहतरीन बुक मैंने बनाई, आप एक बार गो थ्रू करना बुक को, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेरे साइड से जो बेस्ट होगा मैं अपना सारा बेस्ट देने को तैयार हूँ। अभी मैंने ऑडिट बुक में अपना काम स्टार्ट किया, सर मैं ऑडिट का वीडियोस क्यों रोकी, सर 4 दिन रुक जाओ, मैं ऑडिट का वीडियो, मैंने बस नोट्स बनाना प्रॉपर नोट्स मैंने प्रॉपर टाइपिंग करना स्टार्ट करवा दिया है, मैं एक बार सारे नोट्स सबको क्या करूँगा डिस्ट्रीब्यूट करवा के मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, या मैंने ऑडिट नोट्स की जो 50 नंबर की है मैं उसका भी बुक लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, एग्जामिनेशन पास में है, हाँ थ्योरी मिस करके मत जाना, मैं बार बोल रहा हूँ थ्योरी मिस करके मत जाना, जैसे करना हो कर लेना पर थ्योरी मिस करके मत जाना। चलो ऑल द बेस्ट।